नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है आपको मैं ऐसे फूल के पौधे की कटिंग लगाना सिखाऊंगा। देखिए जिसका जो है अभी समय चल रहा है, इसका जो समय है देखिए आप जुलाई से लेके जो है अक्टूबर तक की इसकी किसी भी समय जो है इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और इसको प्लांट को देखिए आप जो है बीज से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्लांट को अगर बीज से तैयार करते हैं तो देखिए इस प्लांट को जो है मैं कहूँ कि एक महीना जो है एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है। तो इसकी जो आप कटिंग बड़े इजी से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग बड़ी इजी से लग जाती है। देखिए जो फूल के पौधे हैं गार्डन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है। इनकी जो है हमारे फूलों की वजह से जो हमारे गार्डन की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और देखने काफ़ी सुंदर लगता है, जिसके कारण जो है हमारे गार्डन में पॉलिन ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आते हैं और हमारे जो फूल और फल के जो पौधे होते हैं उनको काफ़ी इससे जो है बेनिफिट्स मिलता है। देखिए आप चाहे जितने मर्जी फल के पौधे लगा लीजिए या फिर जितने आप इंडोर के पौधे लगा लीजिए, अगर आपके गार्डन में फूल के पौधे कम, जनसंख्या कम है या फिर आपके कम प्लांट है तो देखिए आप इनको जोर से बढ़ाइए, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। तो चलिए आइए मैं आपको जो है कटिंग वो लगाना सिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह से जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये गेंदे का प्लांट है। तो और गेंदे के प्लांट में देखिए आप जो है बड़े सुंदर से जो है फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। ये जो प्लांट है देखिए इसमें जो है आपके सीड समर्स के लिए लगाते हैं और विंटर्स के लिए लगाते हैं। तो देखिए जो गेंदे के प्लांट है मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें कुछ परमानेंट प्लांट भी है, अगर आप इनको रखते हैं तो देखिए आप जो है इस तरह से जो है आप इनसे जो अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो देखिए इनको सीड्स की वजह से ग्रो करने के जो आप इस तरह से अगर आपके आसपास के प्लांट्स हैं या फिर आप देखेंगे रोड साइड पर या फिर मंदिर में किसी में या फिर किसी भी आप देखते हैं पार्क वगैरह में जिसके प्लांट आपको दिख जाते हैं, तो आप जो इसकी बड़ी जो है इजली से जो है कटिंग लेके आप इस प्लांट को बड़ी से ग्रो कर सकते हैं और इसे अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा उसके जो आपको कटिंग लगाने से लेकिन मेथड जो है इसमें आपको गमले पर रिपोर्ट करने तक के लिए कि आप किस जो है इसके सॉइल की आपको जरूरत पड़ने वाली है या फिर क्या फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं और कैसे इसकी जो कटिंग बड़ी लीजिए आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो मेरे गेंदे का प्लांट है इसको जो है मैंने अभी जैसे प्लांट पोर्ट में जो है मेरे प्लांट लगा हुआ है और काफ़ी जो इसकी हाइट इस वजह से देखिए कि आप काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा किस जो हाइट है वो किस वजह से काफ़ी तरह से बड़ी हो जाती है, इस तरह से हाइट जो है बड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहले जो हम सबसे पहले इसकी जो है कटिंग वो ले लेते हैं। और देखिए कटिंग लेने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको किस प्रकार का जो है टूल लेना है। तो देखिए आपको जो कटिंग इस गेंदे की कटिंग लगाने के लिए आपको जो इस्तेमाल करना है देखिए इस तरह से जो है ब्लेड का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्लेड इतना शार्प रहता है अगर आपकी कटिंग जितनी शार्प लेंगे उसकी जो कटिंग है बड़ी इजी से आपकी ये ग्रो होगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कटिंग इस प्लांट के लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है देखिए मैंने ब्लेड लिया है और इसी जो हम यहाँ पे कटिंग इसकी ले लेते हैं। देखिए अगर आप इसकी जो कटिंग लेंगे अगर आपकी कटिंग बिल्कुल शार्प नहीं रहेगी, कटी फटी होगी तो जो आपकी कटिंग ग्रो होने में दिक्कत रहेगी, वो कटिंग फेल भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ कटिंग ले ली है। देखिए इस कटिंग के थ्रू जो हम अपने जो प्लांट्स है बड़े इजली से देखिए ये जो है फास्ट ग्रोथ करेंगे और इनकी जो है देखिए आप देखते इस तरह से जो प्लांट है बड़े होने में काफी समय लग जाता है। तो ये जो प्लांट है इसमें अगर रूटिंग हो जाती है तो प्लांट देखिए आपका कितने जल्दी आए फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो मल्टीपल जो है गेंदे के पौधे अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं और ये काफी देखने काफी खूबसूरत भी लगते हैं। और देखिए इसकी मैं गेंदे के पौधे की बात करूँ तो देखिए जो है आपको एक भी बीमारी से बहुत अच्छा छुटकारा दिलाते हैं, वो बीमारी कौन सी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ये जो है मैंने कुछ गेंदे की कटिंग ले ली है और कटिंग में इस तरह से लगाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंट्रो वाले जो है ये कप लिए हैं। ये कप जो आपके मार्केट में जिले से मिल जाते हैं जिसके हम चाय के बजाय जो है पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो ये जो मैंने कप ले लिए लास्ट टाइम जो है मैंने इसी में सीडलिंग करी थी। तो इस तरह से आप सीडलिंग भी इनमें कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे जो है मैंने इनमें होल किया हुआ है तो आप इस प्रकार से होल जोर से कर लीजिए। ये कटिंग ग्रो करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं और सीडलिंग करने के लिए भी काफी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जो कटिंग ली है तो कटिंग लेने के बाद जो है इसके आप नीचे से जितने भी मैं कहूँगा कि जो आप देख सकते हैं ये नीचे की जितने भी इसके स्टेम्स वगैरह है वो आपको रिमूव कर देनी है। तो देखिए इसकी जो हम नीचे की जितनी साइज स्टेम्स है वो रिमूव कर लेते हैं इस तरीके से, जो आपको हाथ से नहीं तोड़नी है, पकड़ के हाथ से भी इनको तोड़ते नहीं, आपको सिर्फ इस तरह से जो है इनको ब्लेड से ही कट करना है और ब्लेड इस तरह से जो है आपकी क्लीन रहनी चाहिए। और देखिए इस तरह से आप इस कटिंग को लगाएंगे तो कटिंग लगाने से देखिए इसका कम से कम एक नोड एरिया इस तरह से जो है नीचे रहना चाहिए और एक या दो जो है नीचे इस तरह से सॉइल में आपका रहना चाहिए नोड एरिया। तो इसकी देखिए आप जो ऊपर कटिंग लगाते हैं जो उसकी लीव्स है वो कम कर देंगे। देखिए इसकी जो पत्तियां हट जाती है रिमूव इसलिए कर देते हैं ताकि इसमें देखिए ये स्टेम जो हमने ली है इसमें जो इसकी वाटर है तो देखिए ज्यादा पत्तियां अगर इस पर होगी तो वो क्या है आपके इसमें जितना वाटर है वो ऑब्जर्व कर लेंगी, सोख लेंगी, बाद में जो आपके स्टेम ही फिर खराब हो जाएगी। तो कुछ जो हमने ऊपर इस तरह से छोड़ दिए यहाँ पे तो इस तरह से हम सारी जो है यहाँ पहले
जितनी भी है कटिंग क्लीन कर लेते हैं। देखिए गेंदे का जो पौधा रहता है, अगर आप उसको देखिए एक अच्छी बीमारी से जो आपको छुटकारा दिलाता है। देखिए अगर आपने नेमाटोड की बीमारी अगर सुनी है, नेमाटोड की ऐसी बीमारी होती है देखिए जो आपकी जो गार्डन सॉइल रहती है उसमें जो है वो पैदा हो जाती है। वो ज्यादातर देखिए ओवर वाटरिंग रहने के कारण या फिर जो है आपकी मिट्टी अधिक गीले रहने के कारण तो उसमें जो है वो बीमारी आ जाती है। और ये वो बीमारी क्या करती है कि जो आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें छोटी छोटी सी जो है गांठे बना देती हैं, जिसके कारण जो आपका प्लांट है वो फूड नहीं ले पाता है और बीमार हो जाता है धीरे धीरे। और इस तरह से जो आपका प्लांट एकदम से झुक जाता है और धीरे धीरे जो है खाना पानी पीना बंद हो जाता है और आपका प्लांट डाई हो जाता है। तो देखिए उसमें अगर आप जब गेंदे के पौधे लगाते हैं उस तरह की सॉइल में तो आपके जो प्लांट्स में मैं कहूँगा कि ये इसमें से इस प्रकार की एक तरल पदार्थ जल से निकलती है इसके रूट्स के द्वारा, जिसके कारण जो निमेटोड की काफी हद तक जो समस्या है वो कम हो सकती है। तो आपके ऐसे किसी प्लांट में या फिर जो है पॉट में अगर समस्या है या मिट्टी में तो उसमें जो आप इस तरह से गेंदे पौधे जरूर से लगाइए ताकि उसमें जो है आपको दूसरा प्लांट है वो अच्छे से चल पाए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कुछ जो है यहाँ पे साफ कर लिया है अपनी कटिंग को। और देखिए यहाँ पे हम लगाने के लिए जो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे लगाने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे कटिंग लगाने के लिए जो हम मीडिया यूज करने वाले हैं, देख सकते हैं ये है हमारा कंस्ट्रक्शन सैंड जिसे बालू रेत भी कहा जाता है, ये रेड कलर का भी आता है। और देखिए इसमें जो है रेता भी जिसमें कहते हैं कि रेता भी आप कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देख सकते हैं यहाँ पे जो है बालू रेत लिया है। देखिए हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें जो है आपकी जो कटिंग जो है बड़े इजीली से जो अच्छे से हो जाती है। और देखिए अगर आप मिट्टी का यूज करना चाहते हैं तो मिट्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सक्सेस रेट आपको मिलेगा इस तरह से अगर आप बालू रेत का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें जो है आपको अच्छा सक्सेस रेट मिलने वाला कटिंग का। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कुछ इनमें पहले से थोड़ा फिल कर लिया है अंदर, और इसके बाद देखिए हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। रूटिंग ऐसे रूटेक्स की डिब्बी जो आपको जो है एग्रीकल्चर की शॉप पे जो है या नियर बाय आपकी जो नर्सरी है लोकल उसमें आपको इजीली से मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो देखिए उसके लिए भी आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। तो देखिए आपको इस तरीके से जो है इसमें रूटिंग हार्मोन पाउडर लगा लेना है, और रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने के बाद आपको इसमें कटिंग को बिठा देना है। अगर आप कटिंग को बिठाएंगे तो कोशिश कीजिए कि जो आपका एक नोड एरिया है वो कम से कम अंदर जरूर होना चाहिए, और दो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो हम इसको इस तरह से फिल कर देंगे, ये हमने इसमें कटिंग को बिठा दिया है। और देखिए आपके अगर आपके आसपास जो है रूटिंग हार्मोन पाउडर आपको नहीं मिल पाता है तो देखिए आप इस तरह से जो है एलोवेरा जेल की तरह से लीफ है उसमें से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण आपकी जो रूट जो है मैं कहूँ कि थोड़ा आपका रूटिंग हार्मोन का भी काम कर देती है, इतना तो नहीं करती है लेकिन इसमें एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण जो आपकी कटिंग है वो खराब नहीं होती है, फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो आप इस तरह से जो है उसको भी इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी मैंने इस तरह से जो कटिंग इसमें लगा के इसको बिठा दिया है। और देखिए इन दोनों से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको देखिए डायरेक्ट भी इसको जो है इस तरह से लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इस तरह से लगा सकते हैं तब भी आपकी इसमें जो है रूटिंग हो जाएगी। देखिए अब आप कहेंगे कि फिर इन सबकी क्या जरूरत है। देखिए जो रूटिंग हार्मोन पाउडर है या फिर जो हम एलोवेरा जेल लगाते हैं इसका कहीं ना कहीं जो आपको प्लस पॉइंट रहता है ये मार्केट में इसलिए ही नहीं है, इसका जो आप बेनिफिट रहते हैं इसकी जो रूटिंग अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको जो रूटिंग है वो जल्दी से डेवलप होती है और उनको अच्छे से जल्दी डेवलप होने के लिए जो है एक सहारा मिल जाता है। तो इसलिए आपको जो है इसका इस्तेमाल अगर आप जो कटिंग्स वगैरह लगाने की शौकीन है तो आपको जोर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कटिंग्स थी मैंने देखिए अभी एक ही प्लांट से जो मैंने इसकी जो कटिंग्स ली थी और यहाँ पे जो सारी कटिंग्स से मैंने लगा दी है। देखिए इसमें जो है रेनिंग सीजन चल रहा है इसमें आप जिस प्लांट की कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो इसे लगा सकते हैं। इसमें जो आपकी कटिंग्स है बड़े इजीली से ग्रो हो जाती है क्योंकि इस टाइम जो है देखिए बारिश होने के कारण क्या है आपकी जो प्लांट्स के आसपास जो है एयर हवा में जो है मॉइस्चर बना रहता है जिसके कारण जो है कटिंग आपकी इजीली से लग जाती है डेवलप हो जाती है। बाकी आप किसी और समय ट्राई करेंगे तो जो आपकी कटिंग सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है। और मैंने यहाँ पे जो है कटिंग लगा दी है, अब इसमें हम कर देंगे वाटरिंग।
यहाँ पे कर दिए बॉटन। देखिए इस तरह से अगर कटिंग आप लगा देते हैं तो कटिंग लगाने से क्या है कि आप इसको 5 से 6 दिन के लिए आप इसको शेड एरिया में रखिए, धूप में आप बिल्कुल भी ना रखें। अगर धूप में आप इसको रखते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो फेल हो जाएगी, आपका प्लांट है वो मुरझा के खराब हो जाएगा। इस तरह से कटिंग लगा क्या है आपको 5 से 6 दिन अंदर रखना है। उसके बाद जो है आप इसको सनलाइट में निकाल सकते हैं, मॉर्निंग के घंटे की सनलाइट में आप इसको लगा सकते हैं, तो वहाँ पे ये है चल जाएगा। और देखिए इसकी मैं और आपके प्लांट को देखिए गेंदे के में जो है कुछ और टिप्स आपको भी देना चाहूंगा। देखिए जब आप इस तरह से कटिंग आपकी लग जाएंगी तो कटिंग लगाना क्या है कि आप इसको मैं अगर किसी पॉट में लगाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि आपकी जो सॉइल है वो कैसे रेडी करनी है। तो सॉइल की रेडी करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए एक तो मिट्टी जो है बेल्ट्री बनाइए। मिट्टी बेल्ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक हिस्सा जो आप गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें इस प्रकार से जो है कंस्ट्रक्शन सैंड का यही जो है बालू रेत का आप इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है मिट्टी आपकी काफी अच्छी जो है वेल ड्रेन बन जाएगी। और उसमें क्या है देखिए गेंदे की कटिंग लगाने के लिए जब आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे अच्छे से आपकी रूट डेवलप हो जाएंगी, तो उसमें क्या है देखिए एक हिस्सा जो है आप वर्मी कंपोस्ट का रखिए। बाकी देखिए मैं अगर आपको बताऊँ कि गेंदे का जो प्लांट रहता है उसको जो है ज्यादा फर्टिलाइजर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ना ही इसको अधिक खाद की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप इसको जैसे कि मैंने शुरू में आपको अपना पौधा दिखाया था कि उसमें जो आपके देखो काफी जो मेरा जो पौधा था वो लंबा हो गया था, उसमें जो अब तक फ्लावरिंग नहीं है, तो देखिए आप इसको जो है नाइट्रोजन अगर अधिक देंगे तो जो आपका प्लांट है वो फ्लावरिंग पे नहीं आएगा, वो इस तरह से जो लंबा बन जाएगा और लगी हो जाएगा। तो इसको जो आपको नाइट्रोजन बहुत कम देनी है। जब आपका प्लांट हाइट पकड़ लेता है इस पर अगर बड्स बनने लगती है तो आपको देखिए मैं कहूँगा कि इस प्रकार से आपकी जो प्लांट की हाइट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको उस पर जो पिंचिंग जूस करनी चाहिए। अगर एक दो कली बनती है तो भी आपको उस पर से पिंच कर देना चाहिए। अगर आप एक ही फूल लेंगे तो आपको जो फ्लावर है उस पर एक ही फूल आएगा। अगर आप उसे मल्टीपल फूल लेना चाहते हैं, अपना प्लांट को भूसी बनाना चाहते हैं, तो देखिए आप उसको जो है आपको उसके जो ऊपर से प्रूनिंग जोर से करनी पड़ेगी, आपको ऊपर से जोर से पिंच करना पड़ेगा। अगर आप पिंच करते हैं तो देखिए इसकी जो साइड ब्रांचेस है वो डेवलप होती हैं, और डेवलप होने क्या है कि इसकी जो और शाखाएं निकलेंगी उस पर जो और आपकी अच्छी जो है जो फ्लावरिंग और बस निकलेंगी। और देखिए इससे फूल जो है लेने के लिए मैं आपको बताऊँ की जो प्लांट है सन लविंग प्लांट रहता है, इसको आप जितनी तेज धूप देंगे या पूरे दिन की धूप देंगे तो आपको जो प्लांट में जो फ्लावरिंग होने वाली है। और देखिए जब इसको बड्स बनने लगती है तो इसमें आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। आप इसमें जब शुरू में ही मिट्टी बना के लगाएंगे उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे, बाद में जब इसके बड्स बनेंगे तो उसमें जो आप थोड़ा मैं कहूँगा कि पोटाश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो इसमें जो आपको बढ़ के फ्लावरिंग मिलने वाली है। बाकी इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो इसका जो पोर्ट का साइज आप रखेंगे तो देखिए पोर्ट का साइज आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। आप इसको सिर्फ 8 इंच की पोर्ट में या फिर जो हमें कहूँगा इस तरह से जो 10 इंच का हमारा पोर्ट रहता है देखिए इस तरह से उनमें आप लगा सकते हैं। उनकी जो है उसमें आप इस तरह से पोर्ट में देखिए एक आप सिंगल प्लांट लगाइए, ये ना ज़्यादा है आपका पोर्ट बड़ा है 14 इंची का है या फिर 12 इंची का है तो उसमें आप 2 प्लांट लगा सकते हैं गेंदे के, तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। बाकी इसमें देखिए प्लांट में अगर मैं कहूँ कि वाटरिंग करने के गेंदे में किस तरह का जो तरीका रहता है, तो देखिए इसमें जो है आपको जो पानी डालना है वो ऊपर से नहीं डालना है। आपको जब इसमें गमले में पानी डालेंगे तो देखिए इस तरीके से नीचे से आप रख के जो है मिट्टी में आप इस तरह से आप पानी उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो भी खराब नहीं होगी, फ्लावरिंग आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी और आपका प्लांट है खराब नहीं होगा। और देखिए इस पर अगर बाकी रुपए की तो इस पर अगर आपका पेस्ट अटैक होता है तो देखिए इस पर प्लांट पर आपको ज्यादातर जो है देखा ही होगा कि आप इस पर पेस्ट अटैक देखने को मिलता है इस पर व्हाइट फ्लाई का या एफिड्स वगैरह का, फिर या इस पर देखिए और भी इस पर जो है पेस्ट अटैक होते हैं। तो इस पर देखिए आप नीम वाले का स्प्रे जब आप सभी प्लांट्स लेते हैं तो इस पर 15 दिन पे जो है आप इस पर एक स्प्रे ले लीजिए, इसको फ्लावर में जाके अगर फ्लावर बिल्कुल भी स्प्रे ना कीजिए तो आपको फ्लावर जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इस पर जो अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं, बाकी इसकी और कुछ खास केयर नहीं है। और इस पर जो आप अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसके फूल भी काफी खुशबूदार होते हैं और पूजा में भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये प्लांट आपके अगर आपके पास कहीं है या फिर आपके घर में ही एक दो प्लांट है तो उसके बहुत सारे आप मल्टीप्लाई प्लांट बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।